पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में लखनऊ ने कानपुर को 2-1 गोल के अंतर से हराकर चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के संयुक्त तत्वावधान में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के स्टोटफ ग्राउंड पर खेले जाने वाले हॉकी मैच के फाइनल का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया गया। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों की टीमों ने प्रतिभाग किया था। इसमें रविवार को फाइनल का मुकाबला लखनऊ और कानपुर के बीच खेला गया। फाइनल मैच में दोनों टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया और कड़े मुकाबले में लखनऊ की टीम ने 2-1 गोल के अंतर से कानपुर को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर सदर क्षेत्र के सांसद रवि किशन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई किया और कहा कि बीजेपी सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही है जिससे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, क्रिकेट को तो अंग्रेजों ने दिया गया था लेकिन वो पॉपुलर हो गया, हमारा गेम कबड्डी भी है। इसके लिए साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बनाया गया है जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैच भी खेला जाएगा। फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को उचित इनाम एवं विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि हॉकी खेल के ऊपर ध्यान देना होगा जिससे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकें। पुरस्कार वितरण के बाद गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला तथा उत्तर प्रदेश खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा दोनों टीमें गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला जी सम्मानित। अभिनंदन, मैं आगे की कार्रवाई शुरू करता हूं। कितनी खुशी हो रही है हमको पांडे जी और हरीश जी बता रहे थे कि किस तरह टीम खेली और किस तरह आप लोग जीत के यहाँ पर पहुंच गए। बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद है कि हॉकी के अंदर आप लोग इस देश का नाम राज्य के द्वारा लेके ऊपर जा रहे हैं और कल आप लोग भविष्य बनेंगे क्योंकि हॉकी एक कहते हैं क्रिकेट के साथ अब हॉकी को भी इस देश में बहुत सम्मान मिल रहा है और आप लोग इसमें इतने तत्पर हैं, इतने चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और उत्तर प्रदेश का नाम आप लोग ऊंचा कर रहे हैं, राजस्तर पर खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी शुभकामनाएं रहेंगी राजस्तर लोगों से कि आप लोग देश में भी नाम करें, नेशनल लेवल पर खेलें, इंटरनेशनल लेवल पर खेलें और बहुत आगे जाएं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं क्योंकि कल से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है तो एक आखिरी जहाज है जो यहाँ से उड़ेगा दिल्ली के लिए तो मुझे उस सत्र में जाना जरूरी है। मैं तो मैं ये खेल आप लोगों का मैच पूरा फाइनल देखना था। अभी बिगराइज में जो महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चीनी कारखाने का उद्घाटन किया आज सुबह हम लोग वहाँ थे, वहाँ से मैं यहाँ आया। मैं आप सारे बच्चों से बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों को शुभकामनाएँ दी और आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहा। जो दोनों में से जो भी टीम अच्छी रहेगी वो विजेता रहेगी बट मेरी नज़र में आप दोनों टीम विजेता हैं तो आप प्ले वेल एंड अपने राज्य का, अपने जिले का, अपने माता पिता का नाम करें, भारत का नाम ऊंचा करें जहाँ पर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको मिले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी योगी महाराज मिले हैं और ये देश कितना अद्भुत हो रहा है और ये दिखाई दे रहा है ये सुंदर सा गोरखपुर में देखिए ग्राउंड लवली ग्राउंड एंड पूरे आप लोगों को पूरे स्कूल जो भी पूरा इसको संभाल रहे हैं पांडे जी मैं पूरी टीम को आपके साथ की सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धीरज सिंह भाई जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ए के पांडे जी को जिसके हमारे सर्वे सभा हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया। मैं आप लोगों को मैं आभारी हूँ। आज समय निकालकर समापन
स्पॉन्सर पर आप आए। कल कालीन सत्र चलना है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें हिस्सा लेने कानपुर मंडल के खिलाड़ी एक ऑफिसर आ जाओ ना फोटो पार्षद मनीष सिंह रणमजय सिंह जुगनू खेल निदेशक उत्तर प्रदेश और गोरखपुर मंडल से इस मैच का शुभारंभ करते सभी बच्चों से लोगों की जोरदार तालियां बजाएं, आगे करवाएं जोरदार तालियों से हमारे अतिथि अरे धीरे से थोड़ा चलिए मैदान पर उत्तर प्रदेश जिमनास्टिक प्रस्तुत करना है, लोग बच्चों तैयार हो जाएं। ऋतु रिप कानपुर मंडल की टीम के बीच अंतर्राष्ट्रीय फलक पे हॉकी खिलाड़ी के रूप में अपनी कहूंगा बच्चों को ही कि आप बाल रिसीव कर देते रहे,
जब कोई भी अटैकर अगर बाल रिसीव कर लेगा तो जिधर भी चाहेगा दोस्त घूम रहा है तो वो समझिए कि आप तो आधा पहले ही हो गए। तो सबसे पहले तो बाल रिसीव नहीं होना चाहिए, मैन टू मैन मार्किंग होनी चाहिए। अगर चलिए वो नहीं हुआ तो उसको अगला स्टेप लेने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको और आगे अच्छी हाथी खेलनी है तो ये बात ही मान्य नहीं रहता, क्योंकि जनवरी में सीनियर नेशनल होना है, इन्हीं में से बच्चे आगे आने हैं। तो ये जो कमियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर में आप लोग फाइनल खेले, हमें कहीं ना कहीं लगता है ऐसे ही आप लोग वहाँ भी करते होंगे, मैं देखा तो नहीं वहाँ जाके, लेकिन मुझे लगता है कि आप ओपोनेंट को मौका देते हैं कि वो बाल रिसीव करे फिर डायल मारे या पास कर दे। तो जो टीम अपने ओपोनेंट को बाल रिसीव करने का मौका देगी और मूवमेंट करने का मौका देगी उसके जीतने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जीतेंगे वही जहां 18-20 का है, आप बहुत अच्छे हैं तो जीत लेंगे, लेकिन बराबर तो 19-20 में कहीं ना कहीं कामयाबी भुगतना पड़ेगा। ठीक, ये बहुत फास्ट हुआ, इसलिए फास्ट हो रहा था खुल के आप लोग खेल रहे थे, जगह दे रहे थे, वो भी ऐसे खेल रहे थे लखनऊ वाले, उसको नहीं मारे उसके कार को। तो मैं ये कहूँगा कि आगे इसका कोचिंग भी ध्यान दे और बच्चों को उसकी ट्रेनिंग कराए। विजेता कानपुर, विजेता लखनऊ का उत्साह चरम पर। अपना बहुमूल्य समय निकालकर पूज्य महाराज जी के हम ढेर सारा धन्यवाद साधुवाद देव शुभकामना देव। बीजेपी सरकार जितना सोचा था अपने सरकार अपने प्रदेश के लिए अपने स्पोर्ट्समैन के लिए, नहीं तो क्रिकेट को इतनी महत्वता के अलावा हॉकी सही में देखने जाओ तो हॉकी हम लोगों की ओरिजिनल खेल है इस देश में। मैंने सदन में इस बारे में बात भी उठाई थी कि हॉकी नेशनल गेम, क्रिकेट अंग्रेज़ों ने दिया हुआ था, खैर लेकिन वो पॉपुलर हो गया, लेकिन हॉकी ईजाद किया हुआ हम लोगों का, जिस तरह से ये मेरी नज़र में वही जैसे कबड्डी हम लोगों का गेम है। तो ये इसको बढ़ावा देना चाहिए, हॉकी को हम लोगों को बहुत आगे लाना चाहिए। और हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं, इतना अच्छा लगा इनसे मिल के, लखनऊ में मुलाकात होती, हरीश भैया हैं यहाँ पे, पांडे जी हैं, और इतना सुंदर ग्राउंड जो 5 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके इसको बनाया गया, सोचिए अब गोरखपुर में ये इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड हमारे पास है हॉकी का, तो हमारे बच्चों को अभी आना चाहिए और प्रदेश सरकार पूरी स्पोर्ट्स पर मदद। पूज्य महाराज जी का तो पूरी तन मन धन लगा देते हैं स्पोर्ट्स को लेके वो, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे इसका हिस्सा बना, मेरा सौभाग्य, मैं दो इनको धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया। देखिए इस सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ये प्रतियोगिता हुई है, इसको खेल विभाग द्वारा आयोजन कराया गया और बहुत हर्ष का विषय है कि जो हमारे 18 मंडल हैं, 18 मंडल ने इसमें भाग लिया, तो इसे हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का इसमें प्रतिनिधित्व रहा, क्योंकि जो हमारे 75 जिले हैं, 75 जिले जो है 18 मंडल में बटे हैं और 18 मंडलों ने इसमें भाग लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का यहाँ पे जमावड़ा रहा और ये प्रतियोगिता बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। आज आपने देखा फाइनल मैच भी बहुत अच्छा हुआ, 2-1 से लखनऊ मंडल जो है चैम्पियन हुई है कानपुर मंडल को हरा के, तो हम ये कह सकते हैं जो हॉकी का स्तर है अब प्रदेश में फिर बढ़ रहा है और ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और उनकी अपनी कमियां जो रहती हैं खेल में एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं मैच खेलते हैं तो वो दूर करने का उनको अवसर भी मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में अभी जूनियर नेशनल सीनियर नेशनल सब जूनियर अब दिसंबर से शुरू हो जाएंगे तो इस प्रतियोगिता को खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। सर खेल विभाग द्वारा और क्या हो रहा है खिलाड़ी? देखिए बहुत हो रहा है, अब यहाँ पे अभी ये प्रतियोगिता अभी हुई है आपका, नवंबर चल रहा है, अब दिसंबर में यहाँ पे कबड्डी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता यहाँ पे परम पूज अवैधनाथ जी महाराज जी के नाम से होने जा रही है, उसके बाद जनवरी में भी है, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 हर महीने में खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन बराबर करा रहा है।